यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस माजी के। अगला हमारा टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज में जल्दी दो तरह की होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री फर्दर डिवाइड कर दी गई है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिवाइड किया है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। टर्शियरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री वे इंडस्ट्रीज होती है जो कुछ प्राप्त करती है कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज से, और रिप्रोडक्शन करती है किसका? लिविंग स्पीसीज का। अंडरस्टूड? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करती है, वे इंडस्ट्री कहलाती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री होती है जो कुछ प्राप्त करती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे मिनरल प्राप्त करना कहाँ से? अर्थ से। फिश प्राप्त करना रिवर से। टिम्बर प्राप्त करना कहाँ से? फॉरेस्ट से। लकड़ी प्राप्त करना फॉरेस्ट से। ये जो इंडस्ट्री है ये कहलाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ आइटम, कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त करती है, या यूं कहे रॉ मटेरियल प्राप्त करती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वे इंडस्ट्रीज होती है जो मत्स्य पालन प्रजनन से संबंधित होती है, जैसे बर्ड्स को पालना, प्लांट्स को प्लांटिंग करना, जन नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, एनिमल्स का रख रखाव, इस इंडस्ट्री को जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। अंडरस्टूड? गाय की डेयरी, अंडर पोल्ट्री फार्म, ये सब किसका एग्जाम्पल है? जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल का प्रयोग करके प्रोड्यूस करती है फिनिश गुड को, और रॉ मटेरियल जो प्राप्त होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त होता है। अंडरस्टूड? प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है सेकेंडरी को, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री ये होती है जो रॉ मटेरियल को तैयार करके सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड बनाती है। अंडरस्टूड? जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, आयरन से कोई आयरन के फिक्स्चर बनाना, शुगर केन गन्ने से शुगर चीनी बनाना, कॉटन से कपड़े बनाना, इस तरह की इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम कर ले जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, जैसे बिस्किट, साबुन, ब्रेड। अंडरस्टूड? इंडस्ट्रियल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो फर्दर यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस में। आयरन से मान लिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने लो आयरन का यूज़ करके कोई मशीन बनाई, तो जो उस मशीन का यूज़ होगा फर्दर होगा किस चीज़ में? प्रोडक्शन में। तो इस गुड्स को क्या कहेंगे जो मशीन तैयार की आयरन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने? उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के फर्दर यूज़ होगा, और जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा उसे कंज्यूमर गुड बोलेंगे। नेक्स्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको फर्दर और भी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे सबसे पहली कैटेगरी है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को तोड़ देती है, ब्रोक कर देती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर उससे फिनिश गुड्स बनाती है, जैसे कच्चे तेल को तोड़कर ब्रोक करके हम लोग उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोल ऑयल निकालते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वे इंडस्ट्रीज होती है जिनमें हम मटेरियल को, दो और तीन मटेरियल को मिक्स करके कोई एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इसको हम केमिकल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जैसे बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करके हमने साबुन बना दी, पेंट बना दिया, कॉस्मेटिक आइटम्स बना दिए, इस तरह की इंडस्ट्री जो इस तरह के आइटम बनाती है उसे सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसी के पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग का ही। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के थ्रू, बहुत सारी स्टेज के थ्रू, प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेज के थ्रू प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड तैयार करती है। जैसे कपड़े की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है असेंबली इंडस्ट्री, इसी का ही पार्ट है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिनिश गुड को कंबाइन करके एक फिनिश गुड तैयार करती है, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स। अंडरस्टूड? इस तरह की जो भी इंडस्ट्रीज होती है उसे हम असेंबली इंडस्ट्रीज बोलते हैं। असेंबली मतलब जो असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करती है, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करने वाली इंडस्ट्री असेंबली इंडस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कंस्ट्रक्ट करती है किसको, बिल्डिंग को, डैम को, रोड को, बिल्डिंग्स को, अंडरस्टूड, ब्रिज को, टनल को, कैनल्स को, इस तरह की इंडस्ट्री हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री फैसिलिट करती है, फैसिलिटी देती है किसको, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका जो रख रखाव है उसको स्मूथली फैसिलिटेट करती है कौन सी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसपोर्ट की और बैंकिंग की सुविधा, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे किसके पार्ट है, ये टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री के पार्ट है। ट्रांसपोर्ट किसके लिए यूज होता है, गुड्स को ढोने के लिए, बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्री को, इंश्योरेंस उनके लॉस को रिस्क को कवर करने के लिए, और वेयर हाउसिंग स्टोरेज करने के लिए गुड्स को, एडवर्टाइजिंग उनका प्रचार प्रमोशन करने के लिए। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स हमारी फर्दर डिवाइड कर दी गई है दो कैटेगरी में, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स के हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्स क्या होती है, व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर वे सभी एक्टिविटीज आती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या कहलाती है, वो कॉमर्स कहलाती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ कॉमर्स। फंक्शन ऑफ कॉमर्स में क्या है, फंक्शन ऑफ कॉमर्स में हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस मतलब बाधा। हमारा जो कॉमर्स वो एक लिंक है, जो एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, क्योंकि गुड्स बनता कहीं है और कंज्यूम कहीं और होता है, तो एक ये लिंक जो क्रिएट किया जाता है ये कौन करता है, ये कॉमर्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो जगह की समस्या है उसे कौन दूर करता है, कॉमर्स। मींस जो गुड्स बनता कहीं है कंज्यूम कहीं और होता है, अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो क्या ये गुड्स कंज्यूम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इस समस्या को कौन दूर करता है, इस समस्या को कॉमर्स दूर करती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। समय, एक गुड्स बनता जनवरी में है और कंज्यूम होता है नवंबर, दिसंबर, जुलाई में, ठीक है, तो इस समस्या को कौन दूर करता है, कॉमर्स दूर करती है। किस चीज़ की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कोल्ड स्टोर, विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसे एक्सचेंज करते हैं किससे, मनी से, और मनी कौन पे करता है, कंज्यूमर जो उस गुड्स को खरीदता है, और मनी किसका पार्ट है, मनी इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। क्यों, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क को कौन दूर करता है, कॉमर्स। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द रिस्क। अंडरस्टूड? और इंश्योरेंस सेक्टर किसका पार्ट है, हमारा कॉमर्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है
हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कस्टमर की जो नॉलेज है उसे कौन हेल्प करता है, वो हमारा हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट किसकी ब्रांच है, कॉमर्स की ब्रांच है, जो हमारे कस्टमर्स को शिक्षित करती है। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पे।